दोस्तों, भारत आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। बड़े से बड़ा देश भारत की टेक्नोलॉजी के सामने अपना माथा टेकने में लगे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का है। भारत ऐसे ऐसे गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिनके बारे में सुनकर सभी देशों के होश उड़ चुके हैं। और भारत जिन सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उनके बारे में कुछ सीक्रेट जानकारी बाहर निकल कर आई है। आप सभी जानते हैं कि INS अरिहंत को एशिया की सबसे खतरनाक सबमरीन में से एक माना जाता है। ये भारत का एक ऐसा योद्धा है जिससे भारत के दुश्मन थरथर कांपते हैं। इसके आने के बाद ही भारत न्यूक्लियर ट्राइड देश बना था, लेकिन यह सबमरीन तो कुछ भी नहीं है। भारत ने इससे भी एक खतरनाक योद्धा को समुद्र में उतार दिया है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। इसका नाम है S-4। ये न्यूक्लियर सबमरीन है। इसी सबमरीन को भारत ने समुद्र में उतारा है। ये गुप्त हथियारों में से एक है। इसको चाइना का दादागिरी से निपटने के लिए समुद्र में उतारा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना की दादागिरी इस समय साउथ चाइना सी से बढ़ते हुए हिंद महासागर की ओर अपने पैर जमाने में लगी हुई है। इसीलिए भारत ने अपने इस गुप्त योद्धा को समुद्र में उतार दिया है। यह कोई ऐसी वैसी सबमरीन बिल्कुल भी नहीं है। यह INS क्लास की तीसरी सबमरीन है। इसको विशाखापत्तनम में स्थित शिप सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। यह पनडुब्बी 7000 टन की है, जो की दोनों सबमरीन से ज्यादा भारी है। वहीं पर इस पनडुब्बी की अगर खूबियों के बारे में बात करें तो इसमें 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं, वहीं INS अरिहंत में 4 हैं। यह सबमरीन 8K4 मिसाइल को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर इसमें K-15 को तैनात किया जा सकता है। इसको DRDO और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर बनाया हुआ है। इसमें भारत के द्वारा कुल 4 सबमरीन को बनाए जाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस सबमरीन में 82.5 मेगावाट का एक लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जो कि महीनों तक समुद्र के अंदर इस सबमरीन को रखने में पूरी तरीके से सहायता प्रदान करेगा। वहीं भारत के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सीक्रेट तौर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन ब्रिटेन की एक कंपनी के द्वारा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इसका खुलासा किया गया है। और ब्रिटेन के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि भारत ने ऐसा ऐसा कांड कर भी दिया है और किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं लगी। और भारत ने इस सबमरीन को पूरी तरीके से समुद्र में उतार दिया है, जो कि समुद्र में रहकर अब चाइना की गर्दन पर पूरी तरीके से वार करने के लिए तैयार है। आप सभी को पता है कि चाइना साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर छोटे छोटे देश हैं जो कि चाइना को किसी भी तरीके से टक्कर नहीं दे पाएंगे। चाइना इसीलिए उन देशों को धमकाता रहता है और वहाँ पर अपनी मनमानी करता रहता है, और वह अपनी मनमानी अब साउथ चाइना सी से बढ़ाकर हिंद महासागर की ओर शिफ्ट करने में लगा हुआ है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत पूरी तरीके से अपनी नेवी को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है, और इसी को देखते हुए भारत ने अपनी इस सबमरीन को समुद्र में उतार दिया है, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर चाइना के साथ में होती है तो हमारी नेवी किसी भी तरीके से कमी का महसूस ना कर पाए और उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए भारत सरकार पूरी तरीके से अगड़ी काम करने में लगी हुई है। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।